नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। अलीगढ़ महानगर की सेंटर प्राइवेट मंगलम कॉम्प्लेक्स में स्थित महिंद्रा कोचिंग सेंटर ने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए बच्चों को किया सम्मानित। सक्षम न्यूज इंडिया के उत्तर प्रदेश प्रभारी कपिल आरोरा ने खास बातचीत करते हुए महिंद्रा कोचिंग के अलीगढ़ डायरेक्टर ने गवर्नमेंट जॉब में उच्च स्थान पाने वाले बच्चों के बारे में सक्षम न्यूज इंडिया को जानकारी मुहैया कराई। खड़े हैं अलीगढ़ के महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर न जाने कितने मेघावी छात्रों ने ना जाने कितने अचीवमेंट किए। कुछ छात्र छात्रा हमारे साथ मौजूद है, ये जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके का उनका अचीवमेंट रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। और मैं यहाँ पे आने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं यहाँ से आने से पहले एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था 3 साल, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सोचा और मैंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जी। तो मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, तो मेरा 2017 में कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाया जी। लेकिन 18 में यहाँ के फैकल्टी मेंबर और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होने की वजह से उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और 18 में मेरे RRB PO और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाइड हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग गर्ग है सर जी। अनुराग, क्या अचीवमेंट रहा आपका महिंद्रा बैंक के बाद? मेरा अचीवमेंट रहा, मैंने 2016 में महिंद्रा ज्वाइन किया। इसके बाद मुझे यहाँ आने के पता चला कि प्रिपरेशन किस टाइप से करते हैं, जॉब का सेक्टर मुझे पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया, तो 2017 में पहुँचा कि मैंने अपने एग्जाम्स के सभी प्री क्वालीफाई किए, बट मेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाने की वजह से वो नहीं हो पाए। बट 18 में मैंने दोबारा इसके लिए अपने आप को और बेटर बनाया और अब मैं इस पोजीशन पर खड़ा हूँ कि एक सक्सेस की तरफ मैं खड़ा हूँ, जिसमें कि महिंद्रा फैकल्टी का और मैनेजमेंट का मेरे लिए बहुत बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने मेरी पूरी हेल्प की इस मामले में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप राजपूत है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही पता था महिंद्रा के बारे में, तो जस्ट बिना किसी डाउट या बिना किसी क्लैरिफिकेशन के सीधे महिंद्रा ज्वाइन किया। और सर, एक साल पूरा मेहनत करने के बाद और महिंद्रा की फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही ईच एंड एवरी पॉइंट, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यूज़। हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक नई चीज़ अडॉप्ट करने में, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना दिया गया तो हमें कुछ नई दिक्कत नहीं हुई और हाँ, फाइनली आज हम यहाँ पर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ महिंद्रा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। आदित्य, किस तरह के अचीवमेंट रहे आपके? मैंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में और यूनिवर्सिटी लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल पाए। अब तक मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड दिया, यूनिवर्सिटी में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल था एंड पावर लिफ्टिंग यूनिवर्सिटी ट्रायल में भी मेरा गोल्ड मेडल था। आगे की चेयरमैन जी, किस तरह का मोटिव है आपका? मेरा मोटिव है कि गवर्नमेंट जॉब करूं एक अच्छी ऑफिसर लेवल की, और महिंद्रा से जुड़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सपना पूरा होगा। हमारे साथ मौजूद है अलीगढ़ महिंद्रा ब्रांच के ब्रांच मैनेजर, आइए उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस ब्रांच में वो किस तरीके से बच्चों के दिमाग में किस तरह का मोटिवेशन देते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच सर। यही जानेंगे कि आखिर जो आप बच्चों को गाइड करते हैं जी जी, उनका किस तरह का मोटिव और किस तरह का मोटिवेशन देते हैं आप? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, क्योंकि हमारा जो मोटिव है आप लोगों के बगैर नहीं हो पाएगा। हमारा मोटिव ये है कि हर बैंक में हमारा सिलेक्शन हो और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम कैसे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हम बीच बीच में सबसे पहले क्या करते हैं, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके लिए फिलिसिएशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। और उस ऑर्गेनाइज थ्रू हम बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, उसका टारगेट आपका क्या है। उसके लिए हम स्मार्ट लैब की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि स्मार्ट लैब के थ्रू बच्चों को वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हो जाता है कि बच्चा अपने एग्ज़ाम से एटमॉस्फेयर से हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। PSS की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर सारे, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। मैं सारे फैकल्टी मेंबर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के मेरे फैकल्टी मेंबर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। तो वो अपने क्लास के बाद तुरंत PSS रूम में बैठ के वहाँ पे बच्चों को सारा गाइडलाइंस देते हैं, और यही वजह है कि हमारे वहाँ जो सिलेक्शन है इस बार सबसे रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुए हैं। ALPP की हम बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें हमारे पास 50+ सिलेक्शन उठे हैं, ठीक है ना। अभी प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस में बच्चे पहुँच गए हैं। अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो 1,35,000 सिलेक्शन हम प्लस दे चुके हैं,
ठीक है ना। और उसके बाद जो है यूपी पुलिस है, हम बीच बीच में स्टेट लेवल के बैचेस शुरू कराते हैं, जैसे वीडियो का बैच हो गया, लेखपाल का बैच हो गया, ठीक है ना। तो उससे बच्चों को क्या होता है, एक सेपरेट बैचेस मिलता है, ठीक है, और स्पेशल बैचेस शुरू कराते हैं। और हम लोग एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करते हैं, और हमारा एक मोटिव रहता है, योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस, इसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर बच्चा सिलेक्शन निकालेगा तो वो दूसरे बच्चों को बताता है। और यही रीज़न रहता है कि हमारे सिलेक्शन का इश्यू ज़्यादा रहता है, हम उन बच्चों को उन बच्चों के बीच में लाते हैं जो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और उनके छोटे छोटे पॉइंट जो डॉट्स होते हैं, क्लियर होते हैं, उसके हम एसटी के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, पूरी गाइडलाइंस देते हैं बच्चों के। एसटी पोर्टल पे हमने आईडी बना रखी है, ताकि बच्चा अपने अगर यहाँ पे नहीं आ पाता तो घर बैठ के भी टेस्ट दे सकता है। और वीक में एक ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, जिसमें बच्चा अपने घर जाके टेस्ट सॉल्व करता है, और उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको आगे फैकल्टी मेंबर से पूछता है। जी हमारे भी मौजूद हैं, आइए इनसे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल बनाते हैं, और किस तरीके से, और कितने छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ाते भी हैं। जी गौतम जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो तैयारी कराते हैं यहाँ पे, वो असल में वीक से वीक स्टूडेंट को लेके, उसके पर्पज़ को ले, उसके बेस को लेके हम लोग तैयारी कराते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो एग्ज़ाम में उसके लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। और हम लोग पहले से स्पीड टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं, जिससे कि क्या है, उसकी प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व होती रहती हैं। बच्चा हमारे पास आता है और हम लोग फिर उसको पीएसएस के जरिए हम उसकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों। और हमारे यहाँ एक बात, ये हमारी संस्था की एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो फीस रहती है वो लाइफ टाइम फीस रहती है, जिसमें क्या होता है कि एक कभी कोई क्या होता है कि जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, एक कोर्स की अलग फीस लेती है, दूसरे कोर्स की अलग फीस लेती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग एक लो क्लास बच्चे की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एफर्ट्स करते हैं। और हमारी दूसरी टीचर्स हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग अलीगढ़ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। सर जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि सक्सेस तभी मिलती है जब सक्सेस की तरफ लोग भागते हैं। सहयोगी अजय प्रताप चौहान के साथ कपिल अरोड़ा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।